एक बार फिर दोस्तों साथियों आप सभी को श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन फाग मंडली की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। प्रधान भैया डेल्फिन दयाल की ओर से, जितने भी सदस्यगण की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, जो आज एक बार फिर अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस रामनवमी को प्रच में पदार्पण किए हुए हैं। आप सभी के ज्यादा समय ना लेंगे, बस एक ही बात कहूंगा, अगर आप इस हॉल में नए हो तो शायद लेडीज या जेंटलमैन का वॉशरूम राइट हैंड साइड है, और अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो हमारे कुछ सदस्यगण किचन में हैं, चाहे पानी का जरूरत हो या कुछ भी, तो सदस्यगण इधर है, आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं, आज के कार्य हम ओम मंत्र के द्वारा शुरुआत करते हैं, और आशा है सभी शांत पूर्वक हमारे साथ हैं। Thank you.
जैसे अभी भैया पनील जी ने सभी को स्वागत किए हैं, मैं पंडित सुशील गोसाई सभी को मंडली की ओर से, मंडली के जितने सदस्य है परिवारजन की ओर से सभी को अभिनंदन सुस्वागतम भेज देता हूँ। आज आप बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं, परमात्मा की कृपा आशीर्वाद सभी के ऊपर बरसती रहे और परमात्मा हमारे आराध्य भोले शंकर भगवान गौरी मैया चंद्री बाबा को बारंबार नमन प्रणाम, श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र जी को भी कोटि कोटि प्रणाम, तुलसीदास जी को नमन करते हुए रामायण महारानी के शरणागत में आज हम बैठे हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, धन्यवाद प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं यही से कि सरस्वती मैया कंठे पे विराजे और शक्ति दे तेज दे ताकि मैं जो यहाँ से प्रचार कर सकूँ ये सब आपको मन भावने लगे और आपके जीवन में किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी समय काम आ पावे और कथा जो है रामायण महारानी की माध्यम से
सभी जगह पर सुंदर सुंदर कथाएं होती है और कभी कभी ऐसे जो मैं सोच गया था हूँ कहने के लिए वो तो भूल जाता हूँ, पर आपके प्यार जो देखता हूँ कथा पीता चले जाता हूँ। अब कथा में जहाँ पर कथा बनती है जैसे बनती है वही आपके लिए गुणगान करते रहता हूँ। और यहाँ पर जैसे हमारे मंडली के प्रधान जी से हमारा वार्ता जब हुआ कि कथा कहाँ पर रहेगी, बस जैसे करते हमेशा उसी तरह करेंगे, तो भैया जी जैसे बता दिए उसी भाव से हम बनते हैं और उसी भाव से मंडली का मीटिंग में जब हुआ तो वही करेंगे। और रामायण महारानी की कथा जो है जैसे मैंने बताया हर भरत जी को एक पल्लो और कई पत्ता उसमें से झर जाता है, नए नया पत्ता जाता है, शब्द वही होता है, कथा वही होती है, परंतु रंग रूप बदल जाता है। रिकॉर्ड कर कर सुनोगे पहले वाला राजला बड़ा फरका लगेगा, परंतु जो लक्ष्य है वही है एक ही। और इस तरह से बताते हैं कि रामायण महारानी के माध्यम से तुलसीदास जी बखान करते हैं कि किस तरह से हमारे परमात्मन सारा जगत को क्या है तारने के लिए अपने आप स्वयं और क्या है नरलीला कर रहे हैं। और फिर देवी मैया पार्वती भोले शंकर भगवान से पूछ रहे हैं कि ये कथा में श्रवण कराओ, बताओ कि क्यों कैसा हुआ। और बताते हैं कि कई बार हमारे परमात्मन आते हैं, कई समय आकर अच्छे अच्छे कर्म कर जाते हैं, और यही बार बताते हैं कि हमारे परमात्मन किसी को तारने के लिए कोई अच्छा नटगढ़ रूप दिखा देते हैं और कभी कोई छल करके भी किसी को बना देते हैं, किसी को बिगाड़ भी देते हैं। अब बिगाड़ते हैं क्यों कि भाई थोड़ा नीचे देख के चलो कि ठोकर लग जाएगा कभी, ऊपर सर उठाकर चलने में नहीं अभिमान जितना रहो, क्योंकि एक दिन इसीलिए बताते हैं जब घर बनता है ना दरवाजा जो बनाई जाती है तो थोड़ा छोटा होता है, रूप के बराबर नहीं रहता है, तो देख लो भैया उससे लंबा तो नहीं हो रहे हो, थोड़ा सर झुका लो। और इसीलिए जब पीजी में जाते हैं तो सर नीचे करके हटते हैं ना पूरे में, बड़े ची लव टू लव बताते हैं ना इंग्लिश में टू लव, तो टू लव से बताते हैं कि कहीं बोलेंगे ची लव, तो भी भाषा तो अलग अलग होता है। हम सब पीजी वासी यहाँ पर बैठे हैं, और भारत का होगा तो उनको भी अभिनंदन प्रणाम। हमारे भाषा में टू लव मतलब है चीलो कई विधि में, हमारे मतलब बड़ा नीचे है। अब नीचे नीचे सब चले ऊपर चले ना कोई, एक बार जो नीचे चले वो सबसे ऊपर हुई। कथा में तो बारम्बार भगवान कहते हैं कि भगवान प्रति इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी आज क्या है वन वन भटक रहे हैं। अब वन में भटकने से क्या होता है यूं अपने आप बता रहे हैं, वन का राजा है। अब वन का राजा क्या होता है जो शेर होता है। अब इसी तरह बताते हैं जिसका नाम स्मरण सब करे सब सुख पावे। और यही चला क्या करते हैं हमारे परमात्मा श्री नारायण भगवान भोले शंकर भगवान को जीत लेने के लिए प्रयास कराते हैं और अपने आप आते हैं। और कहां पर कल की कथा जहां उनकी थी वृंदा जी के पास, और वृंदा जी के तप जो है वो भंग करते हैं, अपने आप क्या करते हैं एक साधु संत बनकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे स्पर्श करते हैं चरणामृत चरणा भाव लेते हैं। और इतने में बताते हैं तेरे पति तो बताते हैं कि बड़े आराम से जीत जाएंगे, कोई चिंता मत करो। और इधर क्या है जैसे बताते हैं कि आप आशीर्वाद दे दो साधु जी, और इधर क्या है जैसे चरण स्पर्श करते हैं उनका जो पतिव्रता व्रत था वो भंग हो जाते हैं। और फिर बताते हैं कि वहीं पर देवी वृंदा नारायण भगवान को श्राप दे देते हैं। और बताते हैं कि वही कला जो है क्यों ऐसे कराते हैं नारायण भगवान कि एक बार वही जलंधर शिव शंकर भगवान के यहाँ पर गए और रूप शिव भगवान का धरकर पार्वती के साथ छल करना चाहते थे। जब वो छल करना चाहते थे वहां पर तो आज ये क्या होता है वही छलिया नारायण भगवान आज वृंदा के साथ करते हैं। और कल में तुलसी के बारे में कथा बताए थे कि तुलसी जब हम अर्पण करते हैं भगवान तभी लेते हैं। और इसी भाव के साथ बताते हैं कि परमात्मा हमारे अलग अलग रूप धारण करके सिरोधार कर लेते हैं, कोई शराब हो चाहे पुण्य हो चाहे कागज हो। और यहाँ पर आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं मंगलमय रामायण। मंगलमय बने जन कुल की
परमात्मन की कथा बड़ी सुंदर अलौकिक है, इसीलिए ये महान ग्रंथ कहे गए हैं। और बताते हैं कि चार वेद छह पुराण, चार वेद अठारह पुराण छात्री, ये सब नचोड़ नचोड़ कर और क्या है इसको बड़ी भांति सरल कर दिए हैं तुलसीदास जी, जो वाल्मीकि पहले भय थे बाद में आकर बताते हैं कि कृष्णा में तुलसी बना। और फिर वही तुलसी के बारे में कथा छोड़ दिया, वही तुलसीदास पहले थे बन के खास और अब भगवान की कृपा बनी तो वही तुलसी और उन्हीं का माला जप करके प्रणाम करते हैं। और जिस तरह से बताते हैं कि आज कथा में बताते हैं कि जो श्राप मिलता है तो हमारे परमात्मा शिरोधर कर लेते हैं, बोले तासु साप हरि कीने परमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना, कि जो कौतुक करा रहे हैं सब कुछ करा दिखा रहे हैं, आज जिन्होंने हम लोगों को बुलाकर यहाँ बिठाया ये हमारा कुछ नहीं है पुण्य, ये हमारे पूर्व जन्म का पुण्य है, ख्याल करना बता देता हूँ मैं। और आज जो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे वो हमारा कर्म बन जाएगा, जब आप पितृ बनोगे जब यहाँ चले जाओगे मित्र लोग से तो ऊपर जाकर आप आशीर्वाद दोगे कि हमारे बच्चे कुछ कर आए हैं, कुछ हमारे लिए करें, हम नाम छोड़ कर आए हैं।
ये सनातन धर्म महान बताए गए हैं और इस महान में जो धर्म है इसमें यह सुंदर सुंदर गाथा है देवी भागवत में या कोई पुराण पढ़ लो सभी में बताते हैं। बोले तहां जलंधर रावण भयउ और रन अति राम परम पद दयउ। बताते हैं कि वही जो जलंधर था वो आकर फिर रावण होता है और रावण को मारने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी वे नारायण भगवान जो है राम बनकर आते हैं और एक कारण यही बोले एक जन्म कर कारण यहा जय लगी राम धरे नर दिया। बताते हैं कि हमारे परमात्मा ने नर्तन धर धारण करके और तभी आते हैं पृथ्वी पर और भोज उतारने के लिए क्योंकि राक्षस बढ़ जाते हैं अधम अभिमानी जो है बढ़ जाते हैं उनको नाश कराने के लिए हमारे परमात्मा आते हैं। और आगे बताते हैं कि प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनी मुनि बरनी कविन घनेरी। प्रत्येक अवतार कथा जो है मुनियों ने गाए हैं और बताते हैं कि सुन सुनकर कविता तौर पर अलग अलग साधु संत अलग अलग रूप में बखान किए हैं और कथा आगे बढ़ती है और मुनि का श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है बताते हैं कि नारायण भगवान का जन्म नाम स्मरण करते करते बताते हैं कि अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे देवर्षि नारद एक बार बताते हैं कि थोड़ा असमंजस में पड़ गए और क्या है उन्होंने भी हमारे भगवान को नारायण भगवान को शराब दे देते हैं। बताते हैं कि नारद शाप दीन एक बारा कलप एक दही लगी अवतारा। एक बार देवर्षि नारद नारायण भगवान को शराब दे दिया था उसी कारण हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी पर आकर अवतरित करना पड़ा और वही कथा जैसे बोले शंकर बताते हैं पार्वती मैया को पार्वती मैया चकित हो जाती है कि हाँ देवर्षि नारद परम भक्त है नारायण भगवान का कर्तन लेकर बिना लेकर बस नारायण नारायण कहकर दो घड़ी यहाँ दो घड़ी वहाँ घुमा फिरा करे और प्रभु का नाम स्मरण किया करे। बताते हैं कि गिरजा चकित भय मुनि पानी गिरजा चकित भय सुनी ये पानी। और बताते नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी और ज्ञानवान सज्जन देवर्षि नारद बड़े ज्ञानी थे क्योंकि ब्रह्मा पुत्र है बताते जितना वेद ज्ञान था सब ब्रह्मा ने उनको ही दे रखा था और ये अपने जीवन मात्र में क्या करते थे देवर्षि नारद किसी को पकड़ ले बस सीधा साधु संत बना ले इसके चलते समय में अभी ये साधु संत होते फिर मेरा पास आ जाए घर पर रोज बैठे होते तो उसको मैं प्रयास करूंगा कि भाई दो चार सीख लो अभी घूमने में जाते हैं कहीं पर कोई बात थोड़ा बाजा प्रोडक्ट मिल जाए तो बताते चलो थोड़ा शुरू कर देते हैं। अभी पीछे में चला गया मैं नसूरी में एक बच्चा मिल गया मुझे गुरु बना लिया मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं भैया आप जो कुछ बोलो अच्छा गुरु नहीं बना देते ना सीधे तीसरे बना देते हैं बस बाजा है सर ठीक है तुम चलिए बजा कर दिखाओ टो 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 डा मैंने उसको सारे गामा सिखाया फिर कीर्तन लगा दो जय तुलसी जय जय राम ये राम सिखा दो अब वहाँ से हो अब मुझसे मांगता है कि वार्तालाप करे ऋषा है।